हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचेती फैशन डिज़ाइनर। आइए दोस्तों, आज फिर एक बार ब्लाउज की जो बेक नेक है उसकी सुंदर और सिंपल और सरल डिज़ाइन बनाए हैं। जिस प्रकार से ये देखिए हमारा नेक है, इसको हमने सीधा स्टिचिंग करके और डबल फोल्ड कर लिया, सीधा स्टिचिंग कर लिया है दोनों पार्ट एक साथ में और उल्टी साइड में, और इसको फ्रंट साइड में ओपन कर लिया है फिर, और हल्का सा आयरन करके इसको फिनिशिंग कर लिया है। तो ये हमारा नेक तैयार है और हमारी बाजू भी तैयार है। ये हम स्लीवलेस बाजू बनाएंगे। और इसके लिए देखिए जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, इसके लिए उरेब कपड़ा, उरेब जो ये तिरछा होता है उसे उरेब कहते हैं। और ये जो सीधी लाइन है, ये जो सीधा है कनारी वाला उसको सीधा बोलते हैं, और ये जो तिरछा है इसको हम उरेब बोलते हैं। तो ये उरेब कपड़ा, इसकी हम कटिंग करेंगे 2 इंच की, 2 इंच की पट्टी उरेब पट्टी कटिंग करेंगे और लंबी सारी पट्टियां कटिंग करेंगे और इनको फिर हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये उरेब पट्टी है, तिरछी है, बढ़ने वाली है। जो बढ़वा कपड़ा होता है, बढ़ने वाला होता है, उसे उरेब कहते हैं। इस प्रकार 2 पट्टियों की जो नोक होती है उनको हम जॉइंट करेंगे। साइडें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा, जितनी हमारी सिलाई हो उतनी दोनों साइड की साइडें एक्स्ट्रा कर ली, एक पार्ट की एक साइड में, एक पट्टी की एक साइड में, एक पट्टी की एक साइड में, और इसको हमने जॉइंट कर लिया। देखिए अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड फिर डबल फोल्ड। पहले डबल करेंगे पूरे कपड़े को, पट्टी को, फिर डबल करेंगे, और इसको बीच बीच में सिलाई को बड़ा कर लीजिए। जितनी मोटी हमारी मशीन की सिलाई होती है उतनी मोटी कर लीजिए, और बीच में बिल्कुल बीचों बीच इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। पूरी फुल जितनी हमारी पट्टी कटिंग की है हमने डिजाइन के लिए, उसको हम इसी प्रकार से फोल्ड करके और स्टिचिंग कर लें। आप भी स्टिचिंग कर लें मेरे साथ में, कुछ भी नहीं है, पूरे पट्टे कटिंग करनी है किसी भी सिल्क के कपड़े की, फैंसी कपड़े की, चमकी वाले कपड़े की, या नॉर्मल प्लेन कपड़े की। पट्टी कटिंग करके उसको इस प्रकार 2 इंच की और 4 भागों में फोल्ड कर लें। पहले डबल कर लिया, फिर उसको डबल कर लिया। और ये देखिए यहाँ जो जॉइंट आता है इसको चीर लें, फिर फोल्ड कर लें, फिर भी थोड़ा सा जॉइंट बाहर आता है तो इसको बाद में हम कटिंग कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत कपड़ा कहीं बाहर निकल जाता है तो उसको कटिंग करके और फिनिशिंग कर लें। और इस प्रकार से 4 फोल्ड की ये पट्टी तैयार कर लें, पूरी फुल पट्टी को। तो बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और इसी प्रकार से जो नई नई डिज़ाइनें मैं डालती हूँ, आप देखते रहें और वॉचिंग करें और उसे बनाए भी, बनाने की प्रैक्टिस करें। बहुत ही इजी होंगी, बहुत सरल होगी। मैं आपको पूरी बताऊंगी कि आपको कितना कटिंग करना है और कैसे कटिंग करना है और फिर कैसे इसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो ये देखिए पूरी पट्टी बना के मैंने तैयार कर ली है, 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही लगभग चौड़ी है ये पट्टी। और ये इसकी ऑन साइड है, ऑफ साइड से हम इसे नीचे लगाएंगे और ऑन साइड जो सफाई की साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो ये ब्लाउज की ऑन साइड है और इसको हल्का सा पाइपिंग के आकार में बाहर रखेंगे ब्लाउज, ब्लाउज की नेक को जैसे हमारी पाइपिंग लगती है वैसे उतना सा स्पेस बाहर रख के, और फिर इस पट्टी को हल्का सा स्टिक करके और बराबर से बारीक बारीक सिलाई लगा लेनी है। इसकी सिलाई डबल लगेगी, देखिए एक तो हम लगा रहे हैं और एक इसके पास में और लगाएंगे। नेक की नोक तक, जहां तक हमारे नेक की नोक आएगी वहां तक हम ऐसे ही चलेंगे, बारीक सी पाइपिंग बाहर रखती हुई। आपको मेरी डिज़ाइंस अच्छी लगी होंगी और आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें, बिल्कुल इजी है और बहुत सरल है। तो
एक साइड में हमने इसको अटैच कर लिया है और जो मेन सेंटर है ये नेक का, वहां पर इसको पक्का कर लेते हैं। फिर इसको ऊपर तक वैसे ही स्टिचिंग वापस कर लेते हैं। और इसी प्रकार से देखिए इसके पास में एक डोरी और लगाएंगे, इसको पट्टी बोल दीजिए, उरी पट्टी की डिजाइन है ये। और इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है, गले के आकार जो आप मनचाहा बना ले, जरूरी नहीं है कि जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाए, आप इसको किसी भी आकार में और गले की कटिंग कर सकते हैं और उसको सीधा स्टिचिंग करके फोल्ड करके और फिनिशिंग कर सकते हैं। आयरन से इसकी फिनिशिंग होती है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा उसको काट लेंगे, जो पट्टी में अटैच हो गया वो छोड़ करके जो एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर लिया है, फिर इसके पास में दोबारा हम इसी पट्टी को अटैच करेंगे और इसकी भी हम दो सिलाई लगाएंगे। फर्स्ट एक साइड में और फर्स्ट दूसरी साइड में दो सिलाई से आप इसको भी अटैच करें। बिल्कुल भी खींचे नहीं पट्टी को, हल्का सा इसे रख के ब्लाउज के ऊपर और इसको स्टिचिंग करते जाएं। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन आपको लगेगी और सिंपल भी है और वैसे बहुत सुंदर भी है और इजी भी है। इसमें कुछ भी ऐसे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपके पास कपड़ा है उसकी उरे पट्टियाँ कटिंग कर लें और ब्लाउज की नेक पे आप इसे मनचाहे डिज़ाइन में लगा सकती हैं। मैंने आपको लगा करके लगाना बता दिया है कि किस प्रकार आप लगाएं और आप इसको तिरछा सीधा और टेढ़ा किसी भी एंगल से आप इसको लगा सकती हैं। डिज़ाइनिंग बहुत आसान होती है, बनाना हमारी इच्छा के अनुसार है, जैसे हम चाहें वैसे उनको बना सकते हैं। डिजाइन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है ब्लाउज में और आजकल तो सभी ब्लाउज में डिज़ाइन चलते हैं, बिना डिज़ाइन के ब्लाउज बहुत ही कम हमारे पास में तो बहुत कम आते हैं और ज़्यादातर हम ब्लाउज में 90% ब्लाउज में हम डिज़ाइन लगाते हैं। इसी प्रकार से हमने देखिए दूसरी साइड जो सामने की साइड है गले की, उसमें भी ऊपर से नीचे तक की ये पट्टी लगा ली है, पूरी एक पट्टी है और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, जो बीच सेंटर होता है वहाँ हम इसको राउंडिंग की तरह लेकर जाएंगे और यहीं से वापस इसको ऊपर से ही डबल सिलाई से फिर स्टिच करेंगे। सिंगल सिलाई हो चुकी है, अब डबल सिलाई करेंगे और इसके पास में ये फिर डबल डोरी लगाएंगे, ये डबल पाइप पट्टी हो जाएंगी। इसकी सिलाई के बाद में हम इस पे करेंगे, जैसे दो सिलाई इस पे लगाई है वैसे ही पास वाली पट्टी की भी लगाएंगे और नीचे तक फुल राउंड नीचे तक हम इसको ले जाएंगे। बस ध्यान इसमें इतना ही रखना है इस डिजाइन में कि आप पट्टी को खींचे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये उरेप है, अगर आप खींचेंगे तो बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल भी ना खींचें, आहिस्ता आहिस्ता रखते हुए और अटैचिंग करते जाएं ब्लाउज की बैक साइड को और अटैचिंग करके इसको डबल सिलाई से अटैच करते डिजाइन पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारी स्लीवलेस बाजू है, बाजू पे भी हम इसको अटैच करेंगे। और बहनों आपको मेरी सारी जो आपको कटोरे की 32 34 36 फर्मा कटिंग आपको चाहिए तो 28 से लेकर के 44 इंची तक आपको मेरी इसी संचिति फैशन डिज़ाइनर चैनल पर आपको सारे फर्मा कटिंग अवेलेबल मिलेगी। आप उन वीडियो को देख सकती हैं, ब्लाउज की फर्मा कटिंग कर सकती हैं। तो भूलिए नहीं संचिति फैशन डिज़ाइनर और सर्च करें, 32 इंच चाहिए तो 32 इंच सिंगल कटोरी फर्मा कटिंग और
44 इंच चाहिए तो 44 इंच सिंगल कटोरी फर्मा कटिंग या डबल कटोरी फर्मा कटिंग या फिर बेल्ट ब्लाउज फर्मा कटिंग। तो संचिति फैशन डिजाइनर पर आपको सभी डिजाइनें मिलेगी और सभी फर्मा कटिंग मिलेगी। आप चाहें वो सर्च करें और वीडियो देखें और सीखें। दोनों साइडों में ब्लाउज की जो बाजू है हमारी, उसको भी हमने इसी पट्टी से कवर्ड करना है और ये बाजू बहुत सुंदर लगती है। और ये जो हमारी बैक साइड है, ये भी इससे बहुत सुंदर और सिंपल लगेगी। अब देखिए, जो हमने स्टार्ट में जो सिलाई लगाई थी बीच में, जब हमने पट्टी तैयार की थी, उस सिलाई को हम खोलेंगे। वो बड़ी सिलाई है और उसको आप बीच में से हटा सकते हैं। ये दो जो साइडों में लगाई है, ये बारीक सिलाई है और फिनिशिंग की सिलाइयां हैं। और जो बीच की सिलाई है वो बड़ी सिलाई है। ये देखिए, ये बड़ी सिलाई है और इसको हम ऐसे खोल देंगे। बहुत आसानी से ये आपकी सिलाई खुल जाएंगी और इस प्रकार से ये फिनिशिंग हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा वगैरह धागे हैं उनको आप कटिंग कर लें। हमारी डिजाइन तो बन करके तैयार है, बस अब हम इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। आप भी जब पूरी डिजाइन बन जाए तो इसकी जो बीच की सिलाइयां हैं इस प्रकार से खोल लें और जो एक्स्ट्रा ऊपर के धागे हैं उनको आप कटिंग कर दें। बीच की सिलाई खुल जाने के बाद बहुत सुंदर लगती है और इसकी फिनिशिंग आ जाती है। तो इसी प्रकार से और मेरी आने वाली वीडियो भी आप देखें और सीखें। तो संचिति फैशन डिजाइनर की वीडियो देखने वाली सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।